देश के महान नेता मिश्रा जी, गरी साहब ते श्रोमणी अकाली दल के सारे जुझारू लीडर साहबान, वर्कर साहबान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैनू अज काफी लंबे समय तो बाद संगतां दे खुले दर्शन दे नाल करन दा मौका मिले। वैसे हमेशा मौके दियां रैलियां बहुत अहमियत रखदियां, पर अज दी ये जो महान पंथक इकट्ठ है इहदी अहमियत बहुत वड्डी है, क्योंकि असी श्रोमणी अकाली दल का 100 साल जो जन्मदिन कह लो या इस पार्टी की वजूद में आई है उस दिन मना रहे हो। मैं आज दे दिन ते समुचे गुरु नानक नाम लेवा समुचे पंथ नू देश नू लख लख बधाई दिना। अज दा दिन इस करके भी बहुत अहमियत रखदा के अज जुलम जबर ते अत्याचार के खिलाफ अज तो 100 साल पहला खालसा पंथ ने गुरधामां दी आजादी लई बहुत वड्डा संघर्ष किया। कोई भी सरकार आई है, भावे मुगलों की सरकार भावे अंग्रेजा की सरकार ते हुण भावे कांग्रेस की सरकार है, उन्हां दा हमेशा ही यत्न रहा है कि गुरपंथा गुरधामां दे जो प्रबंध है जा कंट्रोल है उन्हां दे हाथ च आ जाए, क्योंकि सरकारी सारियां सरकारां ही समझदियां हैं कि गुरधाम जिहड़े हन ओ शक्ति दे सोमे हन अते खालसा पंथ जदों भी कोई वड्डा संघर्ष करदा जां लड़ाई लड़दा इत्थों आशीर्वाद लैके अकाल तख्त साहब तो अरदास करके कोई शुरू करता है ओहदे च हमेशा ही जित प्राप्त हुई है। लेकिन मैं कहना चाहना कि सारियां सरकारां ने कोशिश कीती, कांग्रेस ने भी कई तरह के बोर्ड बना के इलेक्शन लड़ाए, लेकिन किसी नूं कामयाबी नहीं हुई। भावे कदे सूबे की सरकार अपनी बने या ना बने, लेकिन गुरधामां की सेवा संभाल जिहड़ी है हमेशा ही कौम ने श्रोमणी अकाली दल नूं ही दित्ती रखी है,
भावे कुछ भी हो जाए। वीरो जिथे ये लड़ाई हुंदी रहनी है, हुण साडे सामने दूसरे इलेक्शन आ गए, असेंबली दे इलेक्शन आ गए है, और ये इलेक्शन एक थोड़ी किस्मत का फैसला है, थोड़े आने वाले बच्चों की किस्मत का फैसला है, क्योंकि जे थोड़ी आपकी सरकार बनेगी, देखो सरकार ये नहीं भी कोई सरकार होवे वो थोड़ा भला कर सकती है, वही सरकार थोड़ा भला करेगी जिसका मन, जिसका दिल, दिमाग, ओदा सारी सोच थोड़े वल होगी। आपां सरकारां वेखियां है, जो कुछ वीर ने दस्सिया मैं दरावना नहीं चाहता, लेकिन अपनी जदों सरकारां बनियां है, जो कुछ उदों बनिया, जब सहूलतां लोकां नूं दित्तियां, भावें बहुत वड्डा फैसला किसानां दा बिल माफ कीते, गरीब वर्ग दे लोकां नूं मूंह च रोटी पाउण वास्ते आटा दाल स्कीम कीती, पिंशनां वर्गियां स्कीमां चलाईयां, गरीबां दे पढ़न वास्ते चंगे स्कूल ओ दित्ते, किन्नियां गल्लां मैं जिक्र करां, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
कि वो साडे ते राज करन। इस करके भराओ तुसी बड़े समझदार लोग हो, सारी गल नूं बड़ा समझदे हो। ते मैं तो यही कहना चाहना कि मेरी जो भी ड्यूटी पार्टी लाएगी मैं वो हर तरह नाल अगे भी पार्टी का हुक्म मन के जो भी समय के प्रधान होंदे सन उन्हां दा हुक्म मन के ओ सेवा निभाउंदा रहा। ते हुण भी मैनू जो ड्यूटी लाउणगे ओ सेवा मैं चंगी तरह निभाऊंगा। मैं यही कहना चाहना कि थोड़ा मुकाबला तीन सरकारां नाल है, ये भी दिमाग सोच लो। एक सूबे की कांग्रेस सरकार, दूजी सेंटर की सरकार बीजेपी, तीसरी ये आम आदमी ओदी भी सरकार। आपां तीन सरकारां नाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना थोनू कि तुसी फिर भी इन्ना थोड़े जोश है, इन्ना थोड़े सूझवानता है कि तुसी तकड़े होके इस इलेक्शन नू आपा जितना है, जित के इत्थे सरकार बनानी है। फिर मैं तो समझदा कि यह कहना मैं कदे एक तो जिन्ना वादे किए सन वह ऐ नहीं कि पांच साल पूरे होने वाले हैं, जिवें हुण सरकार है आखी जांदे है थोड़े दिन कोर्ट लग जू ते पैसा ही है नहीं की करनगे। असीं पहले दिन जिस दिन सरकार पहली बार बनी है तो मैं सीधा बिजली घर गया अपने पटियाले दफ्तर च, उतो सारी गल समझ के ऐलान करता कि बिजली का कोई कम नहीं खर्चा लिया जाएगा। ये जेडे फैसले किए वो पांच साल पूरे चालू रखे, ये नहीं कि अखीर च आके एवं लोगों की अखा पूंज दो। वो कम मैं ना के कीता ना करना, ना मैं सुखबीर नूं कहांगा कि कोई ऐ जी गल करो कि आपा दा ये दूजिया दा पता नहीं फिर आना है कि नहीं आना। ना इन्हां नूं पंजाब नाल प्यार है, ना इस धरती नाल प्यार है, ना थोड़े नाल प्यार है। जिहड़ा साडा प्यार है वो इन्हां दा कैसे प्यार हो सकता है। इसलिए मैं फिर सारे आ भैन भरा जो है थोनू अज के दिन की लख लख वधाई दिना। और मैं एक गल होर कहनी चाहना कि कई एवं मगरमच्छ दे आंसू आउंदे है, हुण किसानां दा संघर्ष सी। मैनू बड़ी खुशी है कि बीबा हरसिमरत जिहड़े वजीर सन उस वेले उन्हां ने वजारत तो इस्तीफा देता, कोई चौकीदारे तो इस्तीफा देने तैयार नहीं हुंदा। और जिहड़ा साडा इन्ने देर का तलक साल भी हो गई असी खत्म करता कि सानू किसानां दा हित जिहड़ा सी वो सब तो प्यारा सी। और होर भी जिहड़े सानू कोई इज्जत वाले काम मिले सन। और एक मैं होर कहनी चाहना, प्रेस वाले बैठे है कि भावे होर कोई कोई की जाए, ये काले कानूनां दे खिलाफ दो वोटां ही पईआं सन, बाकी दा चलाकी नाल बाहर निकल गए पार्लीमेंट च। वो एक हरसिमरत दी पई सी, एक सुखबीर दी पई सी, होर किसे ने मुखालफ नहीं कीती। हुण भावे कोई कुछ वेख लो, रिकॉर्ड तुसीं वेख सकते हो जाके। इस करके भरावो अकली ते नकली दा बड़ा फर्क हुंदा है। कई वारी नकली भी प्यारा लगदा है पर जिहड़ी असलीत है वह तो देश के सामने है, पार्लीमेंट का रिकॉर्ड पे है। ते मैं बीबा हरसिमरत कौर नूं वधाई दिना, सुखबीर कौर सुखबीर सिंह नूं भी वधाई दिना कि उन्होंने उस औखे मौके जदों कोई भी साथ नहीं दे रहा सी उदों इन्होंने डट के उत्थे खड़े होके मुखालफी कीती और वोट पाई। हुण भी असी जो भी कितने मौका होएगा
पंजाब दे समुची भाईचारा भावे कोई भी कम करता है उहदा खुशहाली वास्ते तरक्की वास्ते इसे तरह कम करते रहेंगे। अखीर विच मैं थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।